जय हिंद जय भारत। देर नहीं करते, हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। गेहूं अंडे की जर्दी और दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? हम 5 सेकंड आपका टाइम देते हैं। देखिए, विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 2, पालक, सोयाबीन तथा सुअर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? हम आपका 5 सेकंड अभी स्टार्ट करते हैं। हर एक मतलब प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम देंगे। देखिए, विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 3, नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताइए किसमें। 5 सेकंड का टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, मोनोसेक्राइड है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम। क्या है वसा, मोनोसेक्राइड? देखिए, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है। प्रश्न नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत क्या है? गेहूं, दूध, फल, मांस। देखिए, गेहूं गेहूं कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है। प्रश्न नंबर 6, किसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। वसा वसा में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 7, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? दाल, गेहूं, गाजर, अनार। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न नंबर 8, सूर्य की रोशनी किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। देखिए, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न नंबर 9, प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? मांसपेशी या ऊतक, ऊर्जा को, प्लाज्मा को, बाइल को। मांसपेशी ऊतक को बनाने में सहायक होता है प्रोटीन। प्रश्न नंबर 10, रतौंधी और मोतियाबिंद किस विटामिन के कमी से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए के कमी के कारण। यह वीडियो पसंद है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भूलें ताकि एनुअल सभी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।